तो अभी हमने वहाँ से कॉफ़ी पी ली थी एंड अभी हमने रेनकोट भी बाहर से ख़रीद लिया है। ये 300 नेपाली रुपीज़ का है, तो 200 का है कुछ नहीं, बस पन्नी है पहनने के लिए, बट पहले ही पहन लिया कि बारिश होगी तो क्या करेंगे। पोखरा आज है 2 जुलाई एंड अभी लग ही रहा होगा, मैं अभी उठा हूँ, अभी 5:30 हो रहा है, मेरी नींद आई थी 5 बजे, खुली तो क्या आई थी बिकॉज कल तो साइकिल चलाई थी, उसकी वजह से बहुत हाथ पैर दर्द हो रहे थे, नींद आई नहीं, बार बार उठ रहा था, बट लेकिन व्यू बहुत अच्छा था, मैंने कहा देख लूँ, मतलब विंडो से देख रहा था सामने माउंटेंस है एंड फॉग मूव कर रहा है माउंटेंस में, आई थिंक धीरे धीरे जब धूप आएगी तो फॉग चला जाएगा, बट अभी मैं अच्छा लग रहा तो मैंने कहा दिखा देता हूँ, मतलब वीडियो बना देता हूँ। अभी इसके बाद आज का भी बहुत प्लान है, बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है हाथ में, देखते हैं क्या करते हैं, तो मैं सामने की वीडियो दिखाता हूँ क्या ये बनेगी। तो अभी 7:45 बज चुके हैं एंड अभी मैंने सुबह दिखाया था ना कि कोहरा हो रहा है एंड पहाड़ वो पीछे वाले दिख रहे हैं, अब तो पूरा कोहरा हो गया, कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, आधे घंटे से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है, बट वो ये ऑब्वियसली आज शायद अंदर ही रहना पड़ेगा बिकॉज इतनी बारिश में बाहर तो नहीं जा नहीं पाएंगे, मैं सोच रहा हूँ ब्रश व्रश कर लूँ और चाय कॉफ़ी पी लूँ। तो वेलकम बैक अगेन, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं एंड बादल छट चुके हैं, बारिश कम हो गई है, सुबह तो तेज़ हो रही थी, मैं नहा लिया हूँ, बाल भी धो लें तभी ऐसे हो रहे हैं, अभी बहुत हल्के हैं तो बनेंगे नहीं। ब्रेकफास्ट मंगा लिया है हमने, मैंने पैन केक और सैंडविच मंगाया है वेज में क्योंकि वही था, अभी मैं दिखाता हूँ ये है ब्रेकफास्ट। तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर दिया था बट मैंने वीडियो में आई थिंक रूम टूर शूट नहीं किया, तो मैं दिखाता हूँ, वो तो मैंने दिखाया था कि ये मतलब कैबिन है और हट है मतलब बेसिकली और सामने लेक है, तो मैं अभी ये दिखाता हूँ। 3 है राइट एंड ये सामान बिखरा हुआ है मेरा एंड बस ये बेड है और इधर इधर एक अलमारी है और ये वॉशरूम है एंड सही है, दोनों साइड विंडो है, मतलब दोनों साइड से ओपन है, यहाँ से तो व्यू है ही प्यारा, मतलब लेक और पहाड़ दिख रहे हैं, अब तो बादल भी छट गए हैं एंड इधर है, मतलब इधर भी पीछे का वो है, मतलब पूरा उसका कैंपस है हॉस्टल का, तो बस ये। तो अभी मैंने वापस बैंडाना पहन लिया ताकि बाल माथे पे ना आए, सामने से बस आ रही है, 12:30 हो चुके हैं, हम ब्रेकफास्ट तो कर लिया था, अभी रूम पे ही थे बट अब हम सोच रहे हैं मार्केट जाते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीने कहीं बैठ जाएंगे एंड अगर अवेलेबल हुआ तो पैराग्लाइडिंग भी कर लेंगे, वैसे तो मुझे पता नहीं है, डर लग रहा है बिकॉज थका हुआ भी हूँ एंड हाइट से थोड़ा डर लगता है एंड मौसम थोड़ा ख़राब है, तो ऐसे में पैराग्लाइडिंग होती भी नहीं है, बट लेट्स सी, बस आ गई हमारी, लेट्स गो। तो अभी हम लोग उधर ही आ गए हैं, जो जहाँ से कल माउंटेन बाइक हमने रेंट की थी ना साइकिलिंग के लिए, वही शॉप पे आ गए एंड पैराग्लाइडिंग तो ऑब्वियसली मैंने बोला था नहीं होगी बारिश है तो, क्योंकि तो अभी हम उनसे बात कर रहे हैं कि स्कूटी रेंट पे मिल जाए, तो मेरे फ्रेंड्स लोग जो जो ये हैं उनके साथ गए हैं और वो दुकान मेरे भरोसे छोड़ के गए हैं, तो बस अभी हम सोचे थे कुछ लंच वंच कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी दूर जाके केव्स हैं कुछ, बैट केव और महेंद्र केव, उधर जाने का प्लान है, तो देखते हैं कैसा होता है, वो स्कूटी मिलती है उसको पापा। तो अभी हम लोग स्कूटी रेंट पे कर लिए, मैं फ्रेंड के नीचे बैठा हूँ, मैं नहीं चला रहा हूँ, तो अभी हम लोग हिमालयन जावा जहाँ पहले गए थे ना उसी टोकरा वाली ब्रांच में आ गए, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा है, 5 मिनट वेट करेंगे बिकॉज बहुत बहुत ह्यूमिडिटी हो गई एंड, तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया ब्लॉग में, मैं भी कभी बाद में रहता हूँ, मैंने टर्मरिक लाटे ऑर्डर किया है, वो बेसिकली होता कुछ नहीं, हल्दी वाला दूध होता है
बट बिकॉज मेरे मसल्स में पेन हो रहा था तो ठीक रहेगा। एंड एक्लेयर करनी क्योंकि कुछ डिजर्ट ऑर्डर किया, उनको भी नहीं पता था किससे बना, तो भी पता चलेगा खा के। तो मैं बाकी ये दिखाता हूँ, वाइब्स बहुत अच्छी हैं। तो अभी हमने वहाँ से कॉफ़ी पी ली थी एंड अभी हमने रेनकोट भी बाहर से ख़रीद लिया है। ये 300 नेपाली रुपीस का है, तो 200 का है कुछ नहीं, बस पन्नी है पहनने के लिए, बट पहले ही पहन लिया कि बारिश होगी तो क्या करेंगे। तो अभी हम लोग देवीज फॉल करके जगह आ गए हैं, कोई वाटरफॉल लग रहा है, बस गाड़ी पार्क कर रहे हैं पीछे। पहले तो रोड अच्छी थी बट अभी बहुत टूटी फूटी है। अच्छा, देवीज फॉल के बारे में थोड़ा आपको जानकारी है। इट इज़ द मोस्ट फेमस वाटरफॉल इन कोटा ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन। द वाटरफॉल टेक्स इट रियर रीड नहीं करना फॉर्म गशिंग वाटर केव भी है गुप्तेश्वर गुफा। अच्छा, तो अभी हम किधर हैं? यू आर हेयर पटाले चाहूँगा गुफा, फिर हम जाएंगे ऊपर, यहाँ जाना है हमें ना, वर्ल्ड पीस स्तूपा जो हमारे हॉस्टल से स्तूपा। कैमरा मैन अमित कुमार यादव के साथ आपके समझ आता था। तो ये हमारे पीछे अगर एक बार दिख रही होगी उधर है फॉल ना, तो ये हम आगे से फ्रंट व्यू देंगे उसका, बट अभी मैं आगे से देखता हूँ। आ जाओ लुंगी ऊपर कर ले ना। यार ये ना एडवेंचर एक्टिविटी के लिए नहीं बने हैं शूज, वहाँ से दिखे। हम ही हैं दो लोग हैं जो रेनकोट पहन के घूम रहे हैं, बारिश हो भी नहीं रही है, हमने सोचा पहले ही पहन लेते हैं बारिश अचानक। तो अभी हमने फॉल देख लिया, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, तो बस जाली लगा रखी है तो दिख भी नहीं रहा इतना, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अभी इधर एक गुप्तेश्वर केव है तो वो देखते हैं किस साइड है। तो मैंने शूज़ भी फैंसी वाले पहने, उसमें चला भी नहीं जा रहा है। तो रेनकोट उतार दिया हमने, बट ये पूरा पसीना पसीना गर्मी हो गई थी। अब ये जो मैंने दिखाया था ना कोल वाला, वो उधर से गोल घुमावदार सीढ़ी है, बट बहुत अच्छा है, सही स्कल्पचर है। अभी आगे जाके एक समुद्र मंथन का भी स्कल्पचर है, मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग स्तूपा के रास्ते में जा रहे हैं, एक पहाड़ी वाला रास्ता है, मतलब दोनों साइड जंगल है, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी हमने वापस रेनकोट पहन लिया, ये सीढ़ी वाला रास्ता है स्तूपा जाने का। मैंने उल्टा उल्टा पहना है रेनकोट, पानी भर जाएगा, बट कोई नहीं। सीढ़ी आए ऊपर चढ़ने की, बहुत एक्सरसाइज होगी यहाँ पर, हर जगह तो चढ़ना पड़ता है पहाड़ी वाड़ी पे, बहुत थक गए हैं, बट व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, ना और शूट करता, चलो अब मैं दिखाता हूँ। तो ये वो स्तूपा का एंट्री गेट है, अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें, और नीचे मोमोज का ऑर्डर दे दिया। भाई वो इंट्रो तो तेरे टूट गया ना, तो डिलीट कर सकता हूँ बदरे। एक्चुअली इसके बाद नो टिकटॉक और नो वीडियो अलाउड नहीं है, तो हम फोटो खींच लेंगे। फोटो खींच कीजिए ना, जोड़ के बना दूंगा।